हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टीजी लर्निंग आज फिर मैं आपके लिए आई हूँ ये बी के लेसन प्लान है जैसा कि हम जानते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो बैलेंसिंग पे हम यहाँ पे लेसन प्लान बना रहे हैं ओके सो सी लेट स्टार्ट फर्स्ट वन नेम ऑफ द स्कूल Name of the school means, आप हो, तो इंटर्नशिप के, तो, के, तो के लिए जा रहे हो उस स्कूल का नाम हम यहाँ लिखेंगे क्लियर नेक्स्ट इज द नेम ऑफ दूपल टीचर बाईस बिकॉज यू आर अ बी एड स्टूडेंट आप एक बी एड के स्टूडेंट हो जो इंटर्नशिप के लिए जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप एज अ टीचर जा रहे हो स्टूडेंट्स के लिए आप टीचर हो ठीक है सो यर इट नेम ऑफ द दीपल टीचर नेक्स्ट इज द रोल नंबर मीन्स योर रोल नंबर शुड बी यर आपका रोल नंबर यहाँ होना चाहिए ओके okay? नेक्स्ट ये जो फर्स्ट थ्री है नेम ऑफ द स्कूल नेम ऑफ दीपल टीचर एंड रोल नंबर ये जो फर्स्ट थ्री है ये आपके लिए क्लियर नेक्स्ट इज द क्लास अब आप कौन से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो जैसे मैं ये जो लेसन प्लान बनाई हूँ ये लेसन प्लान स्टैंडर्ड एट, एट। केमिस्ट्री टॉपिक क्या है टॉपिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सब टॉपिक बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टॉपिक एंड सब टॉपिक टॉपिक जो होता है ना वो हमारा चैप्टर का नाम होता है अब एक चैप्टर के अंदर में कितने सारे सब टॉपिक्स होते हैं ठीक है एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना फोर्टी फाइव मिनट्स थर्टी फाइव मिनट में आप पूरे के पूरे एक, एक, एक चैप्टर कंप्लीट कर दो नहीं है ना पॉसिबल इसीलिए एक दिन में हम एक सब टॉपिक लेते हैं सो so, टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सो टॉपिक्स है टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड सब टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्लियर नेक्स्ट इज द पीरियड कौन सा पीरियड है ये सेकेंड पीरियड मैं सेकेंड पीरियड में पढ़ाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ सेकंड लिखा है नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन कितना टाइम का आपका एक पीरियड आप जो क्लास लेने के लिए जो जा रहे हो वो कितना टाइम का है मेरे क्लासेस मिनट्स की आपकी जो भी क्लासेस होगी थर्टी थर्टी अलग टाइमिंग होते हैं ठीक है सो आई रिटन ईयर आप अपने हिसाब से लिख लेना नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं चार्ट मॉडल रियल ऑब्जेक्ट ब्लैक बोर्ड जो 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 चीज यूज कर सकते हो ठीक है सो ईयर रिटन पीरियड टेबल ब्लैक बोर्ड एंड चौक मैं ये तीन चीजें यूज करने वाली हूँ नेक्स्ट इज अ टीचिंग मैथड आप पढ़ाने के लिए कितने काफी सारे टीचिंग मेथड है ये आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप देखोगे आप थर्ड सेमेस्टर में यूचर्स पढ़ोगे ठीक है सेकेंड ईयर में सो so, यहाँ हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे टीच करने के लिए सो ये लेक्चर मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड एंड प्रेजेंटेशन मेथड

उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे उस पर उस सब्जेक्ट का इफेक्ट उनपे क्या होगा so, written, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप साइंटिफिक टू क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स एंड टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसके सो so, ये जो जनरल एम था ये था हमारा साइंस के बारे में साइंस सब्जेक्ट के बारे अब हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये होता है हमारे टॉपिक के बारे में आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे वो होता है ठीक है सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फाइंड द नेम्स ऑफ द कंपाउंड एंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तीन चीज बच्चे आज मेरे आज के टॉपिक से सीखेंगे ओके okay? नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज देखना सीरियल नंबर वाइज मैंने लिखा है तो सारे के सारे ऐसे सीरियल नंबर वाइज में ही लिखिएगा द प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज नॉलेज तो ये जो हमारा है अब आप ही बच्चों की टीचर हैं तो आपको तो पता है ना कि वो उसके पहले आपने ने क्या पढ़ा है सो स्टूडेंट्स नो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला इतना बच्चों को आता है ठीक है नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो होता है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे Okay, three columns are there first is the serial number second is the pupil teacher activity teacher, -teacher activity and the third one is the students activity student activity okay so in the pupil teacher activity the first question i have written what are the symbols of copper oxygen and calcium and the students are saying symbols of copper oxygen and calcium are cu o and ca can you tell me the valency of copper and oxygen valency of copper and oxygen are plus 2 and minus 2 respectively Can you all find the formula of copper oxide? Formula of copper oxide is Cu2. ठीक है तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो यहाँ पे तीन के तीन क्वेश्चन होने चाहिए तीन से आप ज्यादा लिख सकते हो तीन से कम नहीं लिखना है तीन से कम लिखोगे आपके टीचर बोलेंगे कि एक और क्वेश्चन नीचे लिख के उस टाइम पे आपके पास जगह नहीं होगा ठीक है तो तीन क्वेश्चन सेकेंडली ये जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना बहुत सारे आप लेसन प्लान में देखे होंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं लाइक यहाँ पे मैं बैलेंसिंग पढ़ाने जा रही हूँ तो यहाँ पे लिखोगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन और यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स में नो no रिस्पॉन्स वो नहीं होना चाहिए जब तक आप बच्चों को पढ़ाए नहीं हो जो टॉपिक उस टॉपिक के बारे में बच्चों से कैसे पूछोगे ठीक है तो पहले उस टॉपिक को पढ़ा लो उसके बाद पूछना इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं डालेंगे हम यहाँ जो भी तीन चार जितने भी क्वेश्चंस डालेंगे जो भी डालेंगे उन सब के आंसर बच्चों को आता होगा ये इंट्रोडक्शन इंट्रो दे रहे हैं हमारे टॉपिक का क्लियर तो इंट्रोडक्शन में जस्ट ये पूछे कि हाँ, उनको कितना आता है कितना नहीं आता है वो देखने के लिए हम जैसे उसके तो प्रीवियस वाले से ही यहाँ इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन डालेंगे एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे क्लियर नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नाउ द टीचर विल अनाउंस द टॉपिक स्टूडेंट्स स देशन किस तरह से सारा लिखा हुआ आप यहां से लिख सकते हो प्रेजेंटेशन ओके ओके सो नेट पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में हम ना इसे छह पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये हमेशा मिडिल पेज में बनता है ये पूरा प्रेजेंटेशन का पार्ट है क्लियर है फर्स्ट इज दीरियल नंबर Second is सेकेंड इज द टीचिंग थर्ड इज दूपर टीचर एक्टिविटी फोर्थ इज द स्टूडेंट्स activity. Then blackboard work or teaching is and then evaluation. क्लियर So देखो जो भी टीचर पढ़ा रही है वो हम यहाँ लिख रहे हैं और टीचर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखते हैं ठीक है सो लेट us स्टार्ट सी द फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass.

प्लस ओ ओ इ स्टूडेंट आग उसको सोल्व किए हैं ठीक है जो स्टूडेंट सोल्व करेंगे वो हम यहां लिखेंगे जो टीचर सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट सेकेंड स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन जो भी हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो यहां लिखते हैं स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन चुनाव बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन एफ plus प्लस एस टू इट गिव एफ एस एस टू ये टीचर लिख दिए नाउ वी कैन सी दैट द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड आगे कंटिन्यू है मैं दिखाती हूँ आपको पहले आप ये पेज पूरा देख लीजिए ठीक है अब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो भी टीचर लिखवाए हैं या जो भी बच्चे से पूछ उसे वो, वो के उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में डाल दिए यही चीज वो ब्लैक बोर्ड में करवाएंगे और ब्लैक बोर्ड के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे फोर्ट एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है ना तो ब्लैक बोर्ड के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन करेंगे ठीक है

मतलब टीचर उसको पूरा एक्सप्लेन करती है ठीक है टीचर उसे पूरा एक्सप्लेन है उसके एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से पूछ रही है तो अब आप बताओ कि क्वेश्चन क्या होगा बिना पढ़ाए कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है ठीक है आफ्टर पढ़ाने के बाद में आफ्टर एक्सप्लेनिंग ही वो कुछ पूछ रही है द इक्वेशन विल बी नाउ द सेइंग द इक्वेशन कि ये यह यहाँ पे इक्वेशन बनेगा क्लियर

वो पूरा प्रॉपर्ली समझा रही है बोर्ड वर्क के थ्रू और बच्चे बच्चों फिर, बच्चे फिर वहां पे इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं क्लियर यहाँ स्टेप्स भी दिया गया है ये हमारा इक्वेशन था फिर थ्री ऐड किया गया फिर फोर ऐड किया गया कहा क्या ऐड हुआ है वो पूरा चीज यहाँ लिख के दिखाया गया है ब्लैक बोर्ड वर्क में ठीक है ब्लैक बोर्ड में हम एक्सप्लेन करते हैं ना सेम चीज यहाँ पे वही चीज किया गया नेक्स्ट इज द इवेल्यूशन पार्ट इवेल्यूशन पार्ट में यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं लाइक राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स Barium sulfate, ammonium nitrate, ammonium chloride, hydrogen peroxide, and potassium cyanide. Clear? It's not clear. I think so. Okay. Next. Finally, hydrogen is the only one left unbalanced. We have eight hydrogen atoms on the left side in water, and so we need eight on the right side too. But placing H in front of H2, we get eight hydrogen. So now the equation will be. तो टीचर पहले ये एक्सप्लेन करती हैं कि अब हाइड्रोजन को हम लोग कैसे किस तरह से क्या करके हम लोग कैसे उसे इक्वल करेंगे और फिर बच्चों से पूछती है कि इक्वेशन क्या होगा नाउ द स्टूडेंट्स आर वो लोग इक्वेशन बना करके दिखाते हैं नाउ द टीचर इज सेइंग यस वेरी गुड सो द केमिकल इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड फॉर ऑल द एटम्स नाउ ठीक है उसे टीचर एक्सप्लेन कर रही है कि हाँ केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है और वही चीज जो वो करवा रही है क्लास में जो वो एक्सप्लेन कर रही है उसी का वो ब्लैक बोर्ड वर्क में वो वो सेम चीज लिख रही एडिंग एट हाइड्रोजन ऑन राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट पूरा इक्वेशन लिखी है क्लियर बच्चों को एक्सप्लेनेशन हो गया उसके बाद वो इवोल्यूशन में कुछ क्वेश्चन दे रही है बैलेंस एड केसीएल इट गिव केसीएल थ्री प्लस ओ टूट गिओ प्लस एस टू इनको बैलेंस करने के लिए बच्चों को दिया गया है इवोल्यूशन में क्लियर ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट और यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट होता है अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिकैप्चुलेशन 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 पे re -capsulation. Re -capsulation का मतलब जो जो भी भी आज हम पढ़े हैं पढ़ाए डिस्कस करते हैं ठीक है लास्ट so uh, में एक शॉर्ट में सो सोनाओ रिकैप्चुलेशन में टीचर लिखिए टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर एंड आफ्टर दैट शी गिव्स द होमवर्क ही और शी बैलेंस equation, करने के लिए भी दिया गया है क्लियर तो अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा यहाँ होमवर्क में जो भी हम क्वेश्चन देते हैं ना होमवर्क के क्वेश्चन और इवोल्यूशन के क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं होता है ठीक है दोनों ही हमें डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए दोनों ही हमें अलग अलग लिखना है अ और इंट्रोडक्शन में तो मैं आपको बता ही दी हूँ इंट्रोडक्शन में थ्री क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए मैक्सिमम आप फोर टू फाइव रख सकते हो बट मिनिमम थ्री होने ही चाहिए ठीक है लेसन प्लान जो हम बनाते हैं ना वो हम जैसे कल हमें पढ़ाना है तो हम उसे आज बना रहे होते हैं ठीक है तो ये सब चीज पहले से प्रिपेयर करके रखा जाता है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसे समझाएंगे फिर ये पूछेंगे वो पूछेंगे फिर ये होमवर्क देंगे और ये विलेशन में देंगे क्लियर है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको समझ में भी आया हो कि किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है ठीक है अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओके मैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग